ट्रेलर। जैसे क्या चाहिए। बस, uh, काफी, you know, काफी मेहनत से गाना बनाया ढेर सारे प्यार से गाना बनाया तो आई होप कि सब गाना देखें शेयर करें उनको पसंद आए हम शो पसंद आएगा क्योंकि हम हमको पसंद आया हमारी फैमिली को पसंद आया बहुत पसंद आया तो यही आशा है कि सब देखें गाना और शेयर करें और सब तो को ये गाना, गाने पसंद आएंगे, ये गाना और बाकी के भी गाने तो, बहुत है। तो में बात से बहुत डिफरेंट है मेरी पर्सनालिटी थोड़ी लाउड है थोड़ा मैं बहुत बोलती हूँ मेरा कैरेक्टर थोड़ा सबड्यूड है तो जब कर रहे थे शुरुआत में रोल लोग बोल रहे थे कि इसको लड़की का रोल करना चाहिए और मेरे को लड़के का रोल करना चाहिए ये आशा और मैं शिवा क्योंकि ये ज्यादा शांत है तो वो हमारे रोल के बारे okay, में right. तो आप देख रहे हैं रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल ही नहीं हूँ एंड uh, जी वो कैरेक्टर है और उसका लो मिडिल क्लास मराठी बॉय है चोल से आ रहा है तो उसका उस हिसाब से हमें कैरेक्टर को अडेप्ट करना पड़ा और सारे चोल्स में गया घूमा फिर यू you नो know, उनके कल्चर को सीखा मैंने और उसको अपने कैरेक्टर में यूज़ किया है तो आई थिंक यू नो इट्स आउट रियली वेल क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि मैं मराठी मुलगाऊँ तो फिर मेरा काम सक्सेसफुल है okay, के बात करें, तो इसमें किस तरह के है? आज, अलग है। uh, आज जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है इसमें मेरा फुल पावर डांस है और uh, ये सॉन्ग मेरे सबसे ज़्यादा करीब है क्योंकि एक तो संजय सर ने बनाया है उन्होंने बाकी गाने भी बनाए हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट गणेश आचार्य जो इतने बड़े कोरियोग्राफर हैं उन्होंने मेरे साथ इस गाने पर काम किया है और ये जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत 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 ही यू you नो know, मेरा चहीता है एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट मैं जिंदगी भर इसे याद रखूँ और जो मैं मेरी सीख मुझे मास्टर जी से मिली है वो मैं जिंदगी भर अपने साथ लेके नो no? लेकर okay. इस सॉन्ग को लेके मैं इस गाने में हूँ नहीं ये जो पार्ट्स जो पोर्शन मेरे जो एंड में आते हैं वो एक्चुअली अगले अगला गाना जो बाहर आएगा उसके बारे में वो उधर से है तो उधर से है अगले गाने का नाम भी उधर है तो so, बट uh, मैं गई थी हर रोज सेट पे मीजान को नाचते हुए देखने के लिए क्योंकि मीजान बहुत अच्छा नाचता है और बहुत अच्छा काम किया उसने गाने में तो मैं हर रोज सेट पे जाती थी सुबह में जाती थी सात बजे एक्चुअली मैंने मीजान के चप्पल भी फिक्स किए सॉन्ग के ऊपर so, में, तो में, में, में तो काफी डिफिकल्ट होता है कोलापुरी में गाने में तो हूं नहीं तो मैंने लगा कि मैं जाके सेट पे मदद कर लू देख लू देखू गाने सच बहुत बहुत अच्छा बहुत है। है जो एक जो हम लोग पहले बता रहे थे अंदर जब हमको रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था पहली बार हम लोग कैमरा के सामने रो रहे है और जब उन्होंने कट बोला रो आंसू रुकी रहे थे मैं ही नहीं रहा है ही नहीं रहा है कट क्यों बोला वो एक बहुत लगा था कि अभी थोड़ी ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिल्म एक्टिंग 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 से अलग है थिएटर एक्टिंग से अलग है तो वो एक मेमोरी याद है बहुत क्लियरली जो हमको थोड़ा एक्शन सीक्वेंस से पहली बार है जो मैंने एक्शन सीक्वेंस किया है तो आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस है और एक्शन की एक अलग कोरियोग्राफी होती है तो जब पहली बार मैं सीखने गया था तो, तो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था और ये यू you नो know, कि कैसा होता है अच्छा ऐसे होता है और ऐसा करना पड़ता है एक्सेट्रा तो बहुत मज़ा आया और मैं सिर्फ ये बात से खुश हूँ कि मुझसे हो पाया यू नो क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि हो जाए बस सो so, बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा सीक्वेंस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है बहुत अच्छा गरम पानी में में बैठ रहा था <laughs> हाँ, क्योंकि बारिश में भीग रहा था जी और फिर उसको ठंडी लग रही थी तो गर्म पानी में बैठा तो पूरी एक्शन सीक्वेंस रेन में भी शूट हुई है रेन में शूट हुई और काफी ठंडा पानी था फिर एक ब्लोअर लगाया ताकि तूफानी इफेक्ट आए तो उस हिसाब से जैसे ही शॉर्ट कट बोलते थे एकदम से मैं भाग के एक गर्म पानी के टब में बैठ जाता था स्विमिंग पूल में टब में नहीं स्विमिंग पूल था टब नहीं था थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट थैंक यू सो मच गायस एंड सपोर्ट एंड प्लीज मलाल देखिएगा मलाल देखिएगा वो भी और <laughs> अभी के लिए आये पे डांस कीजिएगा